स्वर जो हमारे होंठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय सुगी जय सुफादर। आज हम संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं। संत मोनिका कलीसिया में विवाहित महिलाओं का आदर्श एवं विधवाओं की संरक्षिका संत है। उनकी जन्म अफ्रीका के टगस्ते नगर में एक क्रिश्चियन परिवार में सन 331 में हुआ। बचपन में उसी नगर के एक धर्मी एवं विश्वासी शिक्षक से अपनी क्रिश्चियन शिक्षा पाई। उनका विवाह पैट्रिशियस नामक एक गैर क्रिश्चियन ऑफिसर से हुआ। वह एक क्रोधी एवं चरित्रहीन व्यक्ति था और उनकी सास भी उसी प्रकार के थे और हर समय उनकी सास उसे सताया करते थे और बहुत सारे परेशानियां अपनी विवाह जीवन में और पारिवारिक जीवन में संत मोनिका को झेलना पड़ी। और हम देख सकते हैं संत मोनिका एक भक्त स्त्री थी। विशेष उसे प्रार्थना के प्रति जो महत्व और दिन प्रतिदिन लगाव के साथ वो करती आती थी और बहुत समय वो प्रार्थना में बिताती थी और हमेशा अपने पति के लिए अपने सास के लिए वो प्रार्थना करती थी ताकि वे क्रिश्चियन धर्म को अपना सके, प्रभु येसु को सही ढंग से जाने और उस प्रभु येसु के लिए जीवन बिता सके। हम देख सकते हैं उनकी सास और उनकी पति के जो अंतिम समय में वे दोनों संत मोनिका के प्रार्थना के कारण मन प्रवर्तन हो जाते हैं, वे क्रिश्चिय बन जाते हैं। और हम देख सकते हैं उनके बेटा अगस्तीन के बारे में। आज कैथोलिक कलीसिया के एक महान संत है संत अगस्तीन, लेकिन उनकी जो क्रिश्चिय बनने से पहले एक ऐसे एक बिता हुआ काल है जो मैनिकिज्म नामक एक प्रकार की जीवन रीति को उन्होंने अपनाया और उसी के कातर जीवन बिता रहे थे और किसी तरह का धार्मिक कार्य वो नहीं करते थे। और उन्होंने उनके जीवन के अधिकांश समय, विशेष रूप से उनके युवत्व का अधिकांश समय उन्होंने अपने मन मर्जी के या ये सांसारिक भोग विलास के साथ बिताए थे। और अपने बेटे के लिए संत मोनिका लगातार प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं की वजह से संत अगस्तीन में या अगस्तीन में परिवर्तन आते हैं और वो चाहते थे उनके बेटा एक पुरोहित बने। और हम देख सकते हैं बिशप आम्ब्रोज से उनकी मुलाकात होते हैं। बिशप आम्ब्रोज की जीवन शैली और वो पवित्रता उन्हें बदल देते हैं और वह एक क्रिश्चियन कैथोलिक बन जाते हैं, बाद में एक पुरोहित बन जाते हैं और अंत में वो एक
हिप्पो नामक जगह के धर्माधीश बन जाते हैं और हम आज कैथोलिक कलीसिया की एक महान संत के रूप में देख सकते हैं। यह सबके कारण संत मोनिका का प्रार्थना का फल है। आज इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से सभी विवाहित महिलाओं और विधवाओं को हम इस संत मोनिका के पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए और इन संत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जिस प्रकार संत मोनिका में जो प्रार्थना की जो गुण फूट फूट के ईश्वर ने भर दिया था, उसी तरह सभी माताओं को और सभी लोगों में इस तरह की एक जीवन शैली या इस पवित्र गुण सब में फूट फूट के भर ले, ताकि दिनों दिन हम प्रभु के निकट आ सके और प्रभु के द्वारा अन्य लोगों में परिवर्तन ला सके। आइए इस विश्व बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को स्वीकारे, पछताए है और भक्ति पूर्वक से विश्व बलिदान में भाग ले। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचनों कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पाठ। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थनुस का पत्र, आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपा दान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के, हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उनकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाद के, हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा।
सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी, तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाद के हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों का और तेरी महिमा का सामर्थ्य का वर्णन करेंगी, वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेंगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेंगी। अनुवाद के हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष, आलेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर का स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर नियुक्त किया, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसे ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में एक कहे, मेरा स्वामी आने पर देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और उसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु संत मोनिका की स्मरणोत्सव पर हम ये भेंट तुझे चढ़ाते हैं, इसके फलस्वरूप हमें पाप क्षमा और आनंद मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू अपने संदोग अद्भुत साक्षी द्वारा
अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपनी प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों का अनुभव उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हम सभी संतों सभी दूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब प्रदिष्टाल की हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता कुआरी बरियम उनके वर संधि यूसुफ प्रेरित खंड संत मोनिका और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ,
तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। किसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप घर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं, प्रभु जी आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत मोनिका के पर्व दिवस पर हम इस दिव्य प्रसाद के प्रकाशमान और प्रज्वलित हो उठे, पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर हम भले कार्य में अधिकाधिक लगे रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा ले, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।